छोड़ने का क्या फायदा होगा? आप हमारे इस महत्वपूर्ण रिवर रैंकिंग को समझने की आवश्यकता है और उसमें हमें सपोर्ट करना है लोगों को कि हम कैसे इसको लंबे समय तक अगर इसका फायदा पाना चाहते हैं तो घने जाल का एकदम बंद कर दीजिए और आप लोग भी प्लांटेशन में गंगा की सफाई में लोगों को जागरूक करने में और गंगा की महत्ता में बहुत लोग कछुआ भी पकड़ते होंगे इसमें, लेकिन कछुआ पता है हमारे गंगा नदी के लिए आरओ माना जाता है। वो गंगा नदी के पानी को इतना साफ करता है और इतनी अच्छी चीज़ है कछुआ हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए, नदी के लिए खासकर। तो कछुआ को भी पकड़ने का जो आप लोग काम करते होंगे कुछ लोग, वो ना करें और दूसरे को भी समझाएं। इसका एक्ट भी बहुत खराब है कछुआ का, कछुआ नहीं पकड़ता है, नंदलेबुल एक्ट है, उसमें बेली नहीं मिलेगा। तो हमको इसको भी समझने की आवश्यकता है, कछुआ भी को भी बचाना है। कछुआ को आप नहीं पकड़िए, क्यों पकड़ रहे हैं? जितना हमारे नदी में कछुआ का संख्या बढ़ेगा उतनी हमारी नदी की पारिस्थितिक तंत्र अच्छी होगी, नदी शुद्ध होगा। जितना लोगों को समझाएंगे कि हवन का सामग्री नदी में नहीं फेंकिए उतना नदी साफ रहेगा, उतनी मछली की तादाद बढ़ेगी, डॉल्फिन की तादाद बढ़ेगी, आपका रोजगार बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।